अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ESIR यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इंट्रोडक्शन में आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोगुलेंट द प्रोसेस ऑफ सेल टेक डाउन ऑफ RBCs फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ ब्लड इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन हो गई। The rate at which this salting of RBCs occur is known as the electrocyte sedimentation rate। और ये electrocyte sedimentation rate की definition होगी। RBCs settle because they are heavier than plasma, यानी कि यहाँ plasma से heavier होते हैं, heavier यानी कि भारी होते हैं RBCs। The ESR is enhanced by Rolex formation, और ये Rolex information को भी enhanced रखता है। इसके बाद आ जाता है नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ESR इन द फर्स्ट आवर, यानी कि पहले घंटे में ESR की जो नॉर्मल वैल्यू है। वेस्टर्न ग्राउंड मेथड में मेल्स में 5-10 मिलीमीटर होता है, और फीमेल्स में 10-15 मिलीमीटर होता है। विंट्रोव मेथड में मेल्स में 0-10 मिलीमीटर होता है, फीमेल्स में 0-15 मिलीमीटर होता है। फैक्टर इफेक्टिंग ESR साइज एंड शेप ऑफ RBCs हो गया। उसके बाद कन्वर्ट कंटेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन न्यूट्रलाइज द साइज न्यूट्रलाइज द जीटा पोटेंशियल RBCs सो दे दैट दे बिकम एडहेयर्ड ईच अदर रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ESR, यानी कि इन सब के रिजल्ट में ESR इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है स्पीडिंग ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉर्पसल। उसके बाद कंट्रैक्शन ऑफ कोलेस्ट्रोल हो गया। टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज अबव 20 सेंटीग्रेड ESR विल बी डिक्रीज, यानी कि 20 से ज़्यादा होता है तो ये डिक्रीज हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी विद हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी RBCs सिंक मोर क्विकली। डिक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीज द ESR, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फैक्टर इंक्रीजिंग द ESR नंबर वन पे आता है इंक्रीज ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रोल, इंक्रीज इन अल्फा ग्लोबुलिन, इंक्रीज इन फिब्रिनोजन, टेम्परेचर अबव 20 सेंटीग्रेड, एक्यूट इन्फेक्शन, इन एक्यूट इन्फेक्शन प्रोटीन एंटर द प्लाज्मा फ्राम द साइट ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद आ जाता है वेरिएशंस इन ESR, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन प्रेगनेंसी। द ESR इज अबव 35 मिनट वन आवर, यानी कि प्रेगनेंसी में 35 होता है, एंड इज इंक्रीज्ड बिगिनिंग फ्राम द 10-12 वीक, यानी कि 10-12 वीक्स में ये इंक्रीज हो जाता है। इट रीचेज अ नॉर्मल लेवल एट 3-4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। एन ओल्ड एज ESR इज इंक्रीज, न्यू बर्न में ESR लोवेस्ट हो जाती है। इन चिल्ड्रन द ESR इज 30-13 मिलीमीटर वन ओवर। इट इज कंसिडरेबली इंक्रीज ड्यूरेशन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में भी इंक्रीज हो जाती है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पैथोलॉजिकल वेरिएशन, द ESR इज इंक्रीज इन द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन, एनीमिया, एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया, सर्व ट्रामा, बर्न्स, फ्रैक्चर्स, सेप्टिसीमा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, पल्मोनरी टर्बुलोसिस, मैलेग्नेंसी, कंडीशन इन विच ESR इज डिक्रीज, जाएंगे जहाँ डिक्रीज हो जाती है। कार्डिक फिलर, पोलीसाइथीमिया, अफिब्रोजेनीमिया। उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ESR, डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। द ESR हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शन, यानी कि ये बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। द प्रेजेंस ऑफ एन इंक्रीज ESR सजेस्ट एन ऑर्गेनिक डिजीज इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर साइंस। लास्ट में आ जाता है प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। द ESR आल्सो हेल्प इन प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वेदर द मेडिसन इज इफेक्टिव आर नॉट अगेंस्ट द डिसऑर्डर आर इन्फेक्शन, यानी कि ये हेल्प करता है प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी और मेडिसन को इफेक्टिव करने के लिए भी, और ये इनके अगेंस्ट नहीं होता। आई होप कि आपको सब सही से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।